अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर खैर से होंगे। हमारी आज की वीडियो ये सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करने के बारे में, जिसे पनीरी भी कहते हैं, कि इनको कैसे अलग अलग गमलों में शिफ्ट किया जाता है। ये हमारे जेरेनियम के प्लांट हैं। आज हम जो है सब जितने भी ये विंटर के लाए थे पनीरियाँ, इनको दूसरे गमलों में ट्रांसप्लांट करेंगे। ये हमारे एंट्रेनम के प्लांट हैं और ये वाले जो है पटूनिया, डबल पटूनिया और बेल पटूनिया और साथ वाले अलीसम के। तो इनके लिए हमने जो है गमले तैयार किए हुए हैं, छोटे गमलों में फिलहाल इनको लगाएंगे। तो जी फ्रेंड, ये हमारे गमले तैयार हैं। इसमें हमने ये दो ऐसे मिट्टी ली है और एक ऐसे गोबर वाली खाद गली सड़ी, क्योंकि हमने इसमें खाद ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि छोटे होते हैं ये प्लांट तो फिर जल भी सकते हैं। जब ये अपनी जड़ें वगैरह पकड़ लेंगे 10-15 दिन के बाद इनको DAP वगैरह डाल दिया करेंगे। तो जी फ्रेंड, ये हमारे जेरेनियम के प्लांट है। सबसे पहले इनको हम शिफ्ट करेंगे, ऐसे उंगली डालेंगे ताकि प्लांट वगैरह डैमेज ना हो, और इस पॉट को इसे पटकेंगे और रूट बॉल बाहर आ जाएगा इस तरह। तो इस तरह प्लांट जो है अलग अलग करके लगाते जाएंगे। ये सब तोड़ लेंगे, थोड़ी सी मिट्टी भी इसके साथ आए तो अच्छा है। अब इस पॉट में जैसे सुराख करेंगे और इसे प्लांट रख के अंगूठे और छोटी उंगली की मदद से जो है, अंगूठे के साथ वाली जो उंगली होती है दोनों की मदद से ऐसे दबा देंगे साइडों से हल्का सा करके। ये प्लांट लग गया हमारा। बहुत ही आसान है ये शिफ्टिंग, पनीरी की शिफ्टिंग जो है बहुत ही आसान है। तो जी फ्रेंड, जो अगला प्लांट हम शिफ्ट करेंगे ये एंट्रेनम का है। इसका भी एक प्लांट निकालेंगे और लगा देंगे। सबका एक एक पौधा आपको लिखा के दिखाएंगे, जितनी भी पनीरी लाए हुए हैं सबका सेम ही तरीका है। इस तरह इसका भी रूट बॉल पर निकाल लेंगे और इसको लगा देंगे। अभी हम इनको गमलों में इसमें लिए लगा रहे हैं, छोटों में। एक तो ये अभी छोटे हैं तो हमारे इधर नीचे धूप नहीं आती है। अभी छोटे गमलों में इनको लगा के तो 2-3 दिन इधर नीचे रखेंगे, बाद में इनको जो है वो छत में ले जाएंगे, धूप वगैरह वो सही लगती है। तो वे तब थोड़े बड़े हो जाएंगे, फरवरी में इनको शिफ्ट कर लेंगे। और दूसरा ये है कि अगर कैरी में डायरेक्ट लगाएं तो बिल्लियाँ जो है ख़राब कर देती हैं। मैंने पिछले कुछ ओलियोक्स पिछले दिनों लगाए थे तो वो उन्होंने पंजे मार के निकाल दिए थे। तब ये सोचा है कि इनको जो है पहले छोटे गमलों में लगा लेंगे और इनको धूप वगैरह लगा के जब बड़े हो जाएंगे तो जहाँ जहाँ लगाने होंगे उधर शिफ्ट कर लेंगे निकाल के। अब ये पेटूनिया के भी इसी तरह निकाल लेंगे। जी फ्रेंड, ये हमने सब जो है पनीरी शिफ्ट कर ली है। ये तकरीबन हमारा 50-60 गमला बन गया मिला के सब। तो अब हम इनको पानी दे देंगे। अब हम इनके ऊपर जो है पानी ऐसा स्प्रिंकल कर देंगे, क्योंकि हमारे पॉट ज़्यादा हैं, गमले ज़्यादा हैं, तो इस वजह से हम पाइप की मदद से इसको लगा रहे हैं, वरना बोतल वगैरह या किसी कैन से भी लगा सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।